फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को ओपनिंग वीकेंड में भले ही ऑडियंसेस का पूरा सपोर्ट मिला था, लेकिन लॉन्ग रन में ये फिल्म सलमान खान स्टारर किक से आगे नहीं निकल पाई है। जी हाँ, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो हैप्पी न्यू ईयर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में किक को बीट नहीं कर पाई। खबरों की माने तो फिल्म यारिया से बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने वाली दिव्या कुमार को अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक्ट्रेस नहीं मिल रही। सोर्सेस का कहना है कि पहले इस फिल्म को करने से श्रुति हासन और अदिति राव हैदरी ने इनकार कर दिया और अब फिल्म के कुछ वर्कशॉप्स को अटेंड करने के बाद यामी गौतम ने भी इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। खबरों की माने तो शाहरुख खान ने सलमान खान की सिस्टर अर्पिता को एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर दिया है जिसमें कई डिजाइनर बैग्स और आउटफिट्स हैं। शाहरुख खान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अर्पिता को बैग्स बहुत ज्यादा पसंद है। यही वजह है कि एसआरके ने स्पेशली कई बैग्स यूके और यूएसए से मंगवाए थे। एक्टर रणवीर सिंह को आजकल फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग शुरू करने से पहले लगभग 3 घंटे मेकअप करवाने में लगते हैं। जी हाँ, फिल्म के लिए डिजायर्ड लुक पाने के लिए रणवीर सिंह को 3 घंटे तक मेकअप करवाना पड़ता है और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली खुद रणवीर सिंह के मेकअप को सुपरवाइज करते हैं। जैकलीन फर्नांडिस इज इन हाई डिमांड क्योंकि खबरों की माने तो अपेरेंटली द एक्ट्रेस इज बीन ऑफर्ड 1.25 करोड़ टू एंडोर्स दुबई बेस्ड हेल्थ ड्रिंक। वेल, ये डील आज की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डील है एंड इफ दिस इज ट्रू द एक्ट्रेस विल बी द हाईएस्ट पेड इन द एड वर्ल्ड। Actor Veer Das tied the knot with Shivani Mathur after a 5-year courtship at a highly secret ceremony on October 19th in Sri Lanka. Talking about his marriage, Veer said, "We wanted to have a small ceremony for our wedding. There were only about 100 people, comprised of family and close friends." He further added, "I preferred my wedding to be a quiet affair. The rule at the wedding event was that everyone switched off their smartphones to spend quality time with each other."